सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक टेलर को एक सुनसान से रास्ते पर जाता हुआ देखते हैं। इस टेलर में रेयान, टॉमी, चक, अनीता, केट और उसका भाई जोल होते हैं। ये सभी लोग एक एडवेंचर पर जा रहे थे जहाँ इन्हें अपने सफर में बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स और कई नदियों को देखना था। कुछ दूर चलने के बाद वो सभी एक जगह पर रुक जाते हैं जहां उन्हें रेयान की दोस्त केली मिलती है। इसके बाद वो सभी अपने एडवेंचर पर निकल जाते हैं जहां वो सभी इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड दिख रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो सभी शहर से बाहर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और तेल भरवाने के लिए गैराज के अंदर चले जाते हैं, जहां वो सभी देखते हैं कि इस गैराज में बहुत सारी पुरानी चीजें बेचने के लिए रखी हुई हैं और अंदर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। और यहीं हम गैराज के मालिक जैक को भी देखते हैं। अब ये सभी गैराज की पुरानी चीजों को देखने लगते हैं और बाहर केट और रेयान आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तभी रेयान को बेसमेंट से कुछ आवाज आती है जिसे चेक करने वो बेसमेंट के अंदर चला जाता है, जहां उसे जमीन पर एक मिसिंग लड़की का पोस्टर मिलता है। रेयान उस पोस्टर को उठा पाता उससे पहले ही एक गुस्सैल कुत्ता उस पर भौंकने लगता है, जिसे डर के रेयान वहां से भाग जाता है। अब यहां टॉमी को एक लाइटर पसंद आता है और वह जैक से उसे खरीद लेता है। यहां अनीता देखती है कि जैक के गले में एक लॉकेट चमक रहा है और ये लॉकेट उसे बहुत पसंद आ जाता है, जिससे वो जैक को ये लॉकेट बेचने को बोलती है। लेकिन जैक उससे कहता है कि ये लॉकेट बिकाऊ नहीं है, लेकिन अनीता बार बार पैसे को बढ़ाती रहती है और उसे पूरे 150 यूरो देती है, जिससे वो लॉकेट बेचने के लिए मान जाता है। वहीं केट बाहर अकेली थी और तभी उसके पास नादिया नाम की एक क्रीपी सी लेडी आती है और उन सब से कहती है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, वरना एक एक करके तुम सब उसका निवाला बन जाओगे। वहीं जैक धोखे से अनीता को कोई और ही लॉकेट पकड़ा देता है, जिस पर रेयान जैक से वो लॉकेट वापस करने को बोलता है, लेकिन जैक उसे अपनी दादागिरी दिखाता है और उसे यहाँ से भागने को बोलता है। लेकिन रेयान तो उसके लॉकेट को जैक से छीन लेता है और उसे गैराज में बंद कर देता है। अब वो सभी जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उनका टेलर किसी से टकरा जाता है। जब वो लोग नीचे आकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें अधमरी हालत में नादिया मिलती है। वो मरते हुए उन सबको श्राप देती है कि वो मॉन्स्टर एक एक करके उन सबको खत्म कर देगा। अब तक जैक भी उस दरवाजे को तोड़कर बाहर आ गया था, जिससे वो सभी अपने टेलर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ नादिया की मौत से सभी लोग बहुत दुखी थे और उनका एडवेंचर से भरा ट्रिप अब डर और घबराहट से बीत रहा था। वहीं रेयान देखता है कि रास्ता धीरे धीरे घने कोहरे में समा रहा है, जिससे वो सभी अपना रास्ता भटक जाते हैं और एक सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रेयान बस को रोकता है, जहां वो देखते हैं कि उनके सामने एक छोटा सा बच्चा है जो इशारा करता है कि तुम सभी मरने वाले हो। उसकी ऐसी हरकत देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन अनीता टेलर से नीचे उतरती है और वो उस बच्चे से कुछ पूछ पाती, वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। इधर अनीता बस के अंदर आ पाती तब तक एक विशालकाय पक्षी अनीता को दबोच लेता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनीता की बॉडी जमीन पर गिर जाती है, जहां सभी देखते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह से फट गया है। और तभी वो मॉन्स्टर उस पर दोबारा हमला करता है और अनीता को उड़ाकर ले जाता है। अब इस हादसे को देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिससे रेयान बस को फुल स्पीड में भगाता है और मदद के लिए पुलिस के पास कॉल करता है, लेकिन किसी भी फोन में नेटवर्क था ही नहीं। यहाँ वह सभी बस की विंडो को देख रहे थे और उनकी मौत उनके चारों ओर घूम रही थी। कुछ दूर आगे चलने के बाद वह पक्षी उनके सामने से अटैक करता है, जिससे रेयान घबराते हुए ब्रेक लगाता है और बस का टायर फट जाता है और ये सभी इसी जंगल में फंस जाते हैं। अब हिम्मत करके टॉमी टायर को चेंज करने नीचे उतरता है और कुछ देर बाद वो सक्सेसफुली टायर को चेंज कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि बस की रूफ पर वही पंछी बैठा है और वो पंछी उस पर भी हमला कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर रेयान और जोल बस से बाहर आते हैं और देखते हैं कि टॉमी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है।
लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वापिस आता है और टॉम को भी अपने साथ उड़ा ले जाता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें खेतों के बीच एक घर दिखता है। वो सभी घर के अंदर आते हैं जहाँ टीना उनका वेलकम करती है। वो सभी मदद के लिए कॉल करने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वो टीना को बताता है कि इन्हीं लोगों ने नादिया को मारा है और इन्हीं सब ने हमारा लॉकेट भी चुराया है। यहाँ पर केली रोते हुए उन्हें बताने की कोशिश करती है कि उस मॉन्स्टर ने अब तक हमारे दो साथियों को मार दिया है और प्लीज आप हमारी मदद करो, लेकिन जैक उसकी कोई मदद नहीं करता और उन्हें बाहर लाकर अपने लॉकेट के बारे में पूछता है, जिस पर केट उसे बताती है कि लॉकेट तो मैंने बस में ही छोड़ दिया है, जिससे जैक टीना को केट के साथ जाने को बोलता है और उसके बाकी साथियों को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। इधर केट बस तक पहुंच चुकी थी जिसके साथ टीना और जैक का साथी भी था और इधर जैक सभी को बांध देता है और उन सबको बताता है कि जो पक्षी तुम सबका शिकार कर रहा है उसका नाम रॉक है। हम सभी रॉक की कबीले से हैं। नादिया ने मरते हुए तुम्हें श्राप दिया है और ये श्राप तभी खत्म होगा जब रॉक एक एक करके तुम सबको मौत के घाट उतार देगा। इधर केट टीना से गन छीन कर जैक की साथी को शूट कर देती है। टीना उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन केट उसके सिर पर मार कर उसे बेहोश कर देती है। इधर इन सब के ऊपर उनकी मौत मंडरा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर केट आकर उन सबको आजाद करने लगती है। इसी बीच रॉक उनके ऊपर दोबारा हमला करने आता है, लेकिन केट के गले में उस लॉकेट को देखकर वो वहाँ से उड़ जाता है। रॉक के इस तरह वापस चले जाने से वो सभी बहुत हैरान थे और उन्हें पता चल जाता है कि जिसके पास भी ये लॉकेट होगा रॉक उस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन तभी जैक टीना को शूट कर देता है जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। अब जैक के साथ ही उसकी ओर बढ़ रहे थे जिससे उन्हें मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। वो भागते हुए अपने बस तक पहुंच जाते हैं। वहीं भागते हुए केट नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी उसके पास टीना आ जाती है और उस पर गन पॉइंट करके वो लॉकेट मांगती है, जिससे केट लॉकेट को उतार के दूसरी तरफ फेंक देती है। टीना जैसे ही लॉकेट लेने आगे बढ़ती है तो केट उससे गन छीन लेती है और उस लॉकेट को भी दोबारा पहन लेती है। अब बिना लॉकेट के केली वहाँ से भागती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और उसे भी उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अब ये सभी फिर से अपनी बस लेकर वहाँ से भागते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जोल बस को रोकने को बोलता है और उन सबको बताता है कि मैंने आते वक्त रास्ते में एक गेस्ट हाउस देखा था और हो सकता है कि मुझे वहाँ पर कुछ मदद मिल सके। उसकी बात सुनकर रेयान उससे कहता है कि तुम सब बस लेकर जाओ, मैं जंगल के रास्ते उस गेस्ट हाउस में पहुँच जाऊँगा और मदद लाने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो क्रिएचर एक टाइम पर दोनों पर अटैक नहीं कर सकता, इसके बाद वह सभी बस लेकर निकल जाते हैं। वहीं रेयान अकेले ही जंगल में भागता हुआ गेस्ट हाउस तक पहुँच जाता है और वहाँ पड़े फोन से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन तो खराब था। अब तक वो सभी उस गेस्ट हाउस तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनके बस पर हमला कर देता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है, लेकिन केट टॉमी के लाइटर से उसे जलाने लगती है जिससे वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। यहां वो सब देखते हैं कि वो फोन पूरी तरह से टूटा हुआ है, जिससे निराश होकर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी राक उन पर दोबारा हमला करता है, जिससे बचने के लिए वो सभी उसी घर में छुप जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आती है और वो सभी मदद के लिए बाहर आते हैं, लेकिन वो पुलिस तो उन पर गन पॉइंट कर देता है और उनसे वो लॉकेट मांगने लगता है, लेकिन केट मौका पाते ही ऑफिसर पर हमला कर देती है और वो सभी ऑफिसर पर गन तान देते हैं और उसे बेहोश करके उससे लॉकेट ले लेते हैं। इसके बाद केट पुलिस रेडियो से मदद मांगती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके कार के पीछे आ जाता है, लेकिन तभी रेडियो से जवाब आता है और आवाज सुनते ही वो क्रिएचर कार पर हमला कर देता है, लेकिन तभी जोल फ्लेम से उस क्रिएचर पर हमला करता है और वो मॉन्स्टर बर्ड वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो सभी पुलिस कार लेकर वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन तभी वो क्रिएचर जोल पर हमला करता है और उसे अपने पंजों में दबोचकर वहाँ से उड़ जाता है।
अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर केट पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन चक उसे शांत करता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद केट को रेयन का कॉल आता है। केट उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आती, जिससे वो बस से बाहर आती है और उसके फोन का पीछा करते हुए जंगल में चली आती है। लेकिन ये फोन तो उसे जैक ने किया था। जैक उससे कहता है कि मैंने ही रेयन के फोन से तुम्हें कॉल किया है, जिस पर केट रेयन के बारे में पूछती है और जैक उसे बताता है कि मुझे ये फोन रॉक के नेस्ट में मिला था और तुम्हारा रेयन उसी के घोंसले में मरा पड़ा है। अब केट रॉक के घोंसले को देखती है जहां पर लाशों का ढेर लगा था और उन्हीं लाशों में एक लाश रेयन की भी थी। लेकिन तभी वहां पर चक आ जाता है और जैक से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी धमकी से जैक वहां से चला जाता है। अब रेयन की लाश देखकर केट अंदर से टूट जाती है। चक उसे वापस जाने को बोलता है, लेकिन केट तो चक से गन छीन कर उसी यहां से जाने को बोलती है। यहां हम केट को देखते हैं जो रेयन की मौत से पागल हो चुकी थी और उसी नेस्ट में रुक जाती है और रॉक आकर उसे भी मार देता है। अब बस चक ही बचा हुआ था। वो किसी भी तरह इस मनहूस जगह से निकलना चाहता था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और उसके बस का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिससे मजबूरन उसे वापिस आना पड़ता है। चक जैसे ही बस में ऑयल भरने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और उसे अपना लॉकेट मांगता है, जिससे चक फ्यूल पाइप को नीचे फेंक देता है और उसे उसका लॉकेट लौटा देता है। लेकिन तभी हम आसमान में रॉक को उड़ता देखते हैं, जिसे डर के चक वहाँ से अंदर भागता है। लेकिन रॉक तो सीधे बस के शीशा तोड़ता हुआ चक पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार चक हिम्मत करता है और किसी तरह बस की खिड़की से बाहर आता है और टॉमी के लाइटर को जलाकर उसी ऑयल में फेंक देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और चक वहीं पर बेहोश हो जाता है। आंख खुलने पर उसे लग रहा था कि उसने अपनी मौत को हरा दिया है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और उसे दबोच कर अपने साथ उड़ जाता है। और यहाँ नादिया का श्राप पूरा होता है और इसी सैड मोमेंट के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो